हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू टेक ट्रैवल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सिंपल इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट वेब एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। ओके गाइस, तो लास्ट मैंने आपको दो तो ऑलरेडी सिलेक्टेड पेजेस थे, मैंने एक एक्स्ट्रा पेज ऐड करके दिखाया था। तो आज मैं आपको उसके आगे का स्टेप बताऊंगी थोड़े, उसके आगे और मैं दो पेजेस डिज़ाइन करूँगी और उसमें आपको और थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल्स बताऊँगी। तो हम पहले हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स ट्रैवल। तो अभी यहाँ पर मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहती हूँ। देखो, हमारे कल के वीडियो का जो है वो ये है, हमने लास्ट में यहाँ तक ही किया था, इसके आगे मैंने और किया है। देखो नीचे आ गया, तो हम साइड में जाएंगे तभी हमारा ये एक नया पेज ओपन होगा, और नीचे जाएंगे तभी हमारा ये एक पेज ओपन हो रहा है। यहाँ पर मैंने एक इमेज डाली, लोग ऐसे स्क्रॉल वाले कैसे बना सकते हैं, नीचे कैसे इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रॉल नहीं है। ठीक है गाइस, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी ये कैसे बनाते हैं। मेरे वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं इसको पूरे हटा देती हूँ कंट्रोल जेड करके। तो हमारे ये पेजेस थे तीन। ठीक है गाइस, अभी मैं अभी आगे का स्टेप बताती हूँ। अभी हमें क्या करना है, हमने जब इसको नीचे की तरह स्वाइप कर रहा है तो ये पेज हमारे नीचे आता है, तो हमें इस पेज को सिलेक्ट करके पकड़ के इसके नीचे रख देना है कि हमें डिज़ाइन में भी समझ में आ जाएगा कि हमें इसको कैसे डिज़ाइन करना है गाइस। ठीक है, अभी मैं नया पेज ऐड कर रही हूँ, स्क्रीन पे क्लिक करके मैं फोर्थ स्क्रीन ऐड कर रही हूँ, ये फोर्थ स्क्रीन में इसको ऊपर ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने अभी ऊपर ऐड कर दिया है, अभी इसको मैं बैकग्राउंड इमेज दे दूँगी। मैं इसके लिए एक इमेज यूज़ कर रही हूँ, मैंने अभी इमेज यूज़ की थी वो। ये इमेज ऐड करी थी मैंने, तो ये इमेज मैंने ऐड करी होगी, इसको मैं साइज में ले लेती हूँ। इस टाइम मैंने ये बैकग्राउंड इमेज नहीं यूज़ की हुई है, ये मैंने सिर्फ इमेज यूज़ की है। ठीक है गाइस, हो गई हमारी यहाँ पर इमेज ऐड हो चुकी है। मुझे टेक्स्ट डालना है, ये टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया, ये मेरा टेक्स्ट था सेम एज इट इज़, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इसको अलाइनमेंट करनी हमें वैसे के वैसे, इसको मुझे कलर देना है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ पहले, लेआउट में जाके कलर रेड कलर, इसका कलर थोड़ा मैं चेंज कर दूँगी। यहाँ पर इसका कलर मुझे चेंज करना है रेड कलर, और ये बॉक्स का कलर भी मुझे चेंज करना है, इसका भी मैं चेंज करूँगी वाइट। ठीक है, तो ये हो चुका है, मुझे इसको वाइट छोड़ देना है। इसकी ऑपेसिटी मुझे कम करनी है, थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा है इसलिए मैंने ऑपेसिटी कम कर दी इसकी। तो अभी मुझे ये इसके नीचे का पेज ऐड करना है, तो मैं आपको ट्रांजेक्शन दिखाऊँगी। ठीक है, अभी मुझे ये ऊपर आने के बाद यहाँ से मुझे ये इस पेज पर जाना है, तो ये पेज को सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट हो गया। ट्रांजेक्शन हमें कैसे देना है, ये लेफ्ट टू राइट स्वाइप करेंगे तो हमारा फर्स्ट स्क्रीन आएगा, राइट टू लेफ्ट स्वाइप करना है हमें, तब हम लोग राइट टू लेफ्ट के लिए करेंगे स्वाइप लेफ्ट स्क्रीन पेज फोर्थ, मतलब अभी हम लोग से लेफ्ट में इसको स्वाइप करेंगे तो हमारा ये फोर्थ स्क्रीन आएगा। ओके, अभी यहाँ तक हमारा पेज हो चुका है, इसको हमें एनिमेशन देना है, देख सकते हो जैसे चाहिए वैसे। ठीक, अभी मुझे न्यू स्क्रीन ऐड करनी है, ये स्क्रीन मैंने थर्ड वाली पेज बताने के लिए आपको की है, यहाँ पर मैं ये पेज ऐड कर रही हूँ। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पर स्क्रोलर नहीं आए, टेक्स्ट डालोगे बहुत बड़े तक टेक्स्ट डालोगे स्क्रोल नहीं आएगा, वन पेज तक ही है। इसको सिलेक्ट करने के बाद सेटिंग में जाना है हमें, सेटिंग में हमें पेज की हाइट बढ़ा देनी है, मैं भी 800 रख रही हूँ, आप 900 रख सकते हो कितना चाहिए। देखो पेज की सेटिंग में जाके हमने हाइट बढ़ा दी है 800 करके, इसकी साइज़ बढ़ गई है। तो आप देखोगे अभी साइज़ बढ़ने के बाद सिर्फ पेज की साइज़ ही बढ़ेगी, स्क्रॉल नहीं होगा पेज, तभी इसको हमें स्क्रोलिंग भी देना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है अलाउ स्क्रोलिंग, तो इसको आपको टिक कर लेना है, अलाउ स्क्रोलिंग रीसेट स्क्रोल ऑफ स्क्रीन, तो हमें वो भी अलाउ करके ले लेना है। तो यहाँ पर आपको स्क्रोलिंग की रिजोल्यूशन भी दिखा रहे हो, रिस्पॉन्सिव दिखा रहे कि कैसे रिस्पॉन्सिव है, कौन से है, क्या है। ठीक है गाइस, तभी मुझे ये चाहिए तो ये है। ओके, तो अभी ये हमारा पेज हाइट का भी हो चुका है, अभी यहाँ पर अभी मुझे इसको डिज़ाइन करना है, मुझे इसके बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है। बैकग्राउंड चॉइस करोगे तो बैकग्राउंड आपके ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, इसलिए ये ले लिया। अभी मुझे इमेज लेना है वर्क,
वर्क लेटर मैंने लिया है। हमारी ये इमेज थी, शायद से अलग सी इमेज थी, ये इमेज नहीं थी। हाँ ये इमेज थी, सिलेक्ट कर लेनी है। इमेज यहाँ पर मुझे रख देनी है। यहाँ पर अभी मुझे एक टेक्स्ट डालना है, टेक्स्ट पैराग्राफ। ये पैराग्राफ मैंने चॉइस करी थी, ये पैराग्राफ यहाँ पर आ गई है। मैं भी फ्रीलांसर वेबसाइट कंटेंट, मैं भी कंटेंट कॉपी कर रही हूँ कुछ भी आपको एग्जांपल दिखाने के लिए। ऐसे मैंने कंटेंट उठाया था, कोई ऐसे कॉपी कर लेना है। ये ऐसे यहाँ पर हो गया है। अभी इसको मुझे कलर चेंज करना है टेक्स्ट के। सेम थिंग मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, आप वापस वैसे ही कर सकते हो। आप यहाँ पर भी आप देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ। हमारा कलर चेंज हो गया है, मुझे अभी इसको एनिमेशन देना है तो मैं एनिमेशन दे सकती हूँ। मुझे स्लाइड आउट फेड देना है, आपको जो चाहिए आप एनिमेशन दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमेज मैं दे रही हूँ, अभी हमें देना है वापस टारगेट लिंक, स्वाइप अप स्वाइप डाउन। ठीक है, तो भी हमारा ये पेज है। इसमें सिलेक्ट होने के बाद मुझे ऐड ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है और हमें क्या करना है, स्वाइप अप। जब भी मैं स्वाइप अप करूँगी तभी मेरा ये फिफ्थ स्क्रीन चालू होगा। तो टारगेट मुझे देना है स्क्रीन 5। ठीक है, हो गया। और अभी मुझे यहाँ पर एक एरो डाल के रखना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि हमें नीचे की तरफ जाना है। मैंने अभी ये एरो पेस्ट कर लिया है, इसे हम यहाँ पर इस एरो को यहाँ पर वैसे फिट कर देना है। हमें इसका कलर चेंज करना है, मैं इसको वाइट कर दे रही हूँ। सेलेक्ट मॉडल, अभी हमारे हुए। अभी ये पेज को हमें टारगेट देना है ऊपर वाले, नहीं तो यहाँ पर आके हमारी वेबसाइट वेब एप्लीकेशन स्टॉप हो जाएगी, आपको वापस पीछे नहीं आ सकते आप। इसलिए हमें ये पेज सिलेक्ट कर लेना है। ये पेज सिलेक्ट नहीं, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो पेज को। ये साइड में आपको पेजेस दिखा देते हैं, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज हो गया ऑटोमेटिकली सिलेक्ट। अरे अभी हमें देना है स्वाइप डाउन, स्वाइप डाउन पे हमें इसको टारगेट देना है पेज नंबर 4। इसके बैक में हमें टारगेट दे दिया है क्या, चेक करते हैं, नहीं दिया है। हमें स्वाइप करना है, जब भी मैं राइट में स्वाइप करूँगी तो पेज नंबर 2 ओपन होना चाहिए। जब भी मैं इसको ऐसे राइट में स्वाइप करूँगी तो पेज नंबर 2 ओपन होना चाहिए। ओके गाइस, 2 का एक बार चेक कर लेते हैं हम, 2 के स्वाइप्स बराबर है क्या। अब करेंगे तो 3rd पर ही जाएगा, स्वाइप राइट करेंगे तो 4th पेज आएगा, लेफ्ट करेंगे तो 1 आएगा। तो ये सब भी प्रॉपर है अभी। ठीक है, तो अभी हम प्रीव्यू रन करेंगे। देखो हमारा चालू हो गया है एप्लीकेशन, इसको मैं स्वाइप कर रही हूँ, 2nd पेज ओपन हो गया प्रॉपरली, 3rd पेज प्रॉपरली, यहाँ तक हमने कल देखा था। इसके आगे का वापस देखना है, नीचे आ गया प्रॉपरली, ये पीछे भी जा रहा है। देखो यहाँ पर हमारी गलती हो गई है गाइस। ठीक है, तो हमें इसको 2nd पेज में हम जब राइट सिलेक्ट में कर रहे हैं तो 4th स्क्रीन दिखा रही है, हमें लेनी है 1st स्क्रीन। राइट में जब हम लोग स्वाइप करेंगे तब। ठीक है, अभी हमारी राइट स्क्रीन हो चुकी है, 4th स्क्रीन भी एक बार चेक कर लेते हैं। अप करेंगे तो 5th, डाउन करेंगे तो 2। यहाँ पर भी गलती हो चुकी, नहीं यहाँ पर नहीं, स्वाइप राइट करेंगे तो 2 आएगा, बराबर है, अप करेंगे तो 5th आएगा।
यहाँ से फिफ्थ पेज चेक कर लेते हैं, डाउन करेंगे तो 4 आएगा। अब ये प्रॉपर है, ये एकदम बराबर है। अब ये सारी फीचर्स बराबर सेट हो चुके हैं, अभी हमें इसे टेस्ट कर लेना है। व्यू देखो, हमारा फेस पेज चालू हो गया, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट आ रहा है अभी बराबर, अभी मिस्टेक नहीं। देखो यहाँ पर और एक मिस्टेक हो गई है हमारी, तो हमें अभी इसे भी सॉर्ट आउट करनी है। अभी हम लोग जब राइट में कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन में ही थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपको ये ध्यान से सारी चीज़ें याद रखनी है। लेफ्ट, ठीक है, स्वाइप करेंगे बराबर है, ये भी पेज बराबर है, नीचे करेंगे ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, आगे करेंगे ये भी पेज बराबर आ चुका है। इसका एनिमेशन आप देख सकते हो, वर्डिंग्स का प्रॉपरली आ रहा है। अब करेंगे तो हमारे ये भी वर्ड्स वापस ठीक ठाक से आ रहे हैं, तो हमारा पेज स्क्रॉल हो रहा है, हमारे टेक्स्ट प्रॉपरली दिख नहीं रहे हैं। हमें इसकी ये बॉक्स की हाइट बढ़ानी है, अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्टली सिंपल टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो यहाँ पर। इसे यूज करके आप अपना कंटेंट यहाँ पर डाल सकते हो। देखो अभी हमारे टेक्स्ट प्रॉपरली आ चुके हैं सारे, आधे टेक्स्ट नीचे चले गए हैं क्योंकि ये हमारी स्क्रीन छोटी है, हमें इसे बड़ा कर लेना है। हम देख सकते हैं बड़ा करने के बाद, स्क्रीन रिस्पॉन्सिव नहीं थी, हमारी स्क्रीन अगर रिस्पॉन्सिव नहीं होगी तो वो थोड़ा प्रॉब्लम देगा, इमेज प्रॉब्लम देगा। ओके, ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट अभी तक मैंने नहीं बनाई है, आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी इसको रिस्पॉन्सिव हम कैसे कर सकते हैं उसका भी ऑप्शन। ये अभी फिलहाल रिस्पॉन्सिव नहीं है गाइस, यहाँ पर आप सिर्फ एक ही मोबाइल स्क्रीन है वहाँ का इमेज देख सकते हो, और वही से उतना ही ये जो सेट है वही सेट किया हुआ है। यहाँ पर भी आप छोटा बड़ा करोगे कुछ भी करोगे तो रिस्पॉन्सिव नहीं होगी, आप देख सकते हो यहाँ पर भी, तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं होता। इसकी इमेज भी आधी आ चुकी है, तो ठीक है। तभी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़रूर शेयर करना, आपको ऐसे ऐसे नई वीडियोस में बताऊंगी, और ज़रूर सब्सक्राइब करना आगे की वीडियो में इसमें दिखाने वाली हूँ चैप्टर 3 में रिस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशन कैसे करनी है और नए फीचर्स में इसमें ऐड करके दिखाऊंगी। ओके गाइस, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।